नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में हैदराबाद का बहुत ही फेमस डेजर्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, मौस का मीठा। जितना इसका सुंदर नाम है, इतनी ही ये रेसिपी स्वाद में लाजवाब तैयार होती है। ये हमेशा फेस्टिवल पे नहीं तो ईद पे बनाए जाने वाली रेसिपी है, जो बहुत ही यूनिक और डिफरेंट फ्लेवर वाली होती है। ये रेसिपी के अंदर केले के साथ में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स का भी उपयोग होता है, जिससे इसका स्वाद अलग तैयार होता है। तो चलिए हैदराबादी मौस का मीठा की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मौस का मीठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चीजें भिगोनी है वो कर देते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून मगजतरी के बीज, जिसे मेलन सीड्स भी कहा जाता है, वो ले लेती हूँ। 1/4 कप काजू के टुकड़े और इसके अंदर 1/2 कप दूध डाल देती हूँ। तो से ये सारी चीजें अच्छे से भीग जाए हम उतना दूध डालेंगे। सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे ढक के 1 घंटे के लिए साइड में रख देते हैं। मैंने एक बोल के अंदर थोड़े से केसर के धागे ले लिए हैं और इसके अंदर मैं गरम दूध डाल देती हूँ। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप केसर का जो रंग आता है वो भी ले सकते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे ढक के साइड में रख देती हूँ, जिससे केसर बहुत ही अच्छे से इसमें पिघल जाएगी और इसका रंग बहुत बढ़िया आएगा। 1 घंटा हो चुका था और सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से भीग चुके हैं। अब मैं इसे मिक्सी के जार में ले लेती हूँ। सारी सामग्री को ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा मिश्रण बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। हमने इसे भिगो के रखा था, इसकी वजह से ये मिश्रण बहुत ही बढ़िया तैयार होता है। अब हम डेजर्ट बनाने की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक हैवी बॉटम पैन ले लिया है और उसके अंदर अभी हमने जो पेस्ट तैयार की है वो ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसके अंदर 400 ml दूध ले लेती हूँ। जो 200 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैं 2 कप दूध ले रही हूँ। और अभी हमने जो केसर भिगोया था वो भी डाल देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया केसर का रंग आया है। मैं हमेशा जो कश्मीर का केसर आता है वही उपयोग करती हूँ। इससे रेसिपी में बहुत ही बढ़िया खुशबू और रंग मिलता है। 1/4 कप प्लस 1 टेबलस्पून इसके अंदर शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर का नाप आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, पर मैं ये डेजर्ट बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाती हूँ, इसलिए मैं केवल इतनी ही शक्कर डाल रही हूँ। अब ये जो मिश्रण है उसे उबाल लेंगे। मैं इसे मीडियम आंच के ऊपर उबाल लेती हूँ। दो टेबलस्पून काजू और किशमिश, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। 1/2 मिनट हो चुका था और ये देखे दोस्तों, ये मिश्रण धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। हम इसे थोड़ी देर और उबाल लेंगे। 1/2 मिनट हो चुका है और मिश्रण तैयार हो चुका है। मैं आंच को बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये मिश्रण ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होगा और अगर हम इसे फ्रीज में ठंडा कर लेंगे तो ये मिश्रण और गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए ये स्टेज के ऊपर से कुक करना बंद कर देंगे। मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी बताती हूँ। ये देखे दोस्तों, हमें इसी प्रकार की कंसिस्टेंसी रखनी है। मैं ये मिश्रण को ठंडा कर लेती हूँ और फिर मैं इसे एक बोल में निकाल लूंगी। मैंने मिश्रण को फ्रीज में 1 घंटे के लिए रख दिया था। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें बाकी की सामग्री ऐड कर देते हैं। दोस्तों, ये डेजर्ट जितना ठंडा होगा उतना ही खाने में स्वादिष्ट लगेगा, तो इसे फ्रीज में ठंडा जरूर से कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिश्रण मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच दूध ऐड कर देती हूँ। अगर आपको ज़रूरत लगे तो ही आप इसमें दूध ऐड कीजिएगा। सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप बारीक कटे हुए केले डाल देती हूँ। 1/4 कप बारीक कटे हुआ अंगूर। अंगूर डालना ऑप्शनल है, पर मैं हमेशा डालती हूँ, इससे यह डेजर्ट का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। डेजर्ट तैयार हो चुका है, इसे सर्व कर लेते हैं। दोस्तों, मैं इसे सर्व इस प्रकार से छोटी कटोरी में करने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो बड़े बोल में भी सर्व कर सकते हैं, पर जब भी मैं ये डेजर्ट बनाती हूँ तब इस प्रकार से इंडिविजुअल सर्विंग करती हूँ, जिससे ये खाने में बहुत ही कन्वीनियंट हो जाते हैं।
मैंने सारे डेजर्ट को कटोरी में भर लिया है। अब हम इसे सजा लेते हैं। बारीक कटे केले के टुकड़े, बारीक कटे अंगूर, बारीक कटे पिस्ता के टुकड़े, बादाम के टुकड़े, हमारा टेस्टी यम्मी डिलीशियस हैदराबादी मॉस का मीठा की रेसिपी बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करिए।